गालिब का एक शेर है कि वैसे तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। यह बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस ने कुछ ऐसा दाव चला है और ऐसा पांसा फेंका है कि भारतीय जनता पार्टी की सांसें तेज हो गई। जी हाँ, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ और आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। कांग्रेस के आला कमान ने मध्य प्रदेश के सागर की सीट यानी महापौर की सीट के लिए निधि सुनील जैन को प्रत्याशी बनाया है, यानी कांग्रेस की तरफ से वो बहुरानी प्रत्याशी हैं जिनके जेठ भारतीय जनता पार्टी से 3 बार के सागर के विधायक, यानी जबरदस्त दाव खेला है, घर घर में ही चुनाव करवा दी। ये सियासी चुनाव है, अगर निधि जैन यानी कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीतती है तो शैलेंद्र जैन की राजनीति हाशिए पर आ जाएगी। शैलेंद्र जैन समझदार नेता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन घर को हराया भी नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने ही गालिब का शेर पढ़ा। देखिए इस खास रिपोर्ट को, तो समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत कुछ बदल जाएगा इस चुनाव के बाद सागर की राजनीति। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज। अभी भाजपा कहती थी कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, लेकिन साहेब कांग्रेस वहाँ है जहाँ कोई सोच नहीं सकता। आज नगरी निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस को टिकट देने के लिए दावेदार ढूंढने पड़ रहे हैं, लगे हाथों तो उस बात का भी जवाब मिल गया। कांग्रेस ने भाजपा के ही घर से एक ऐसा टिकट निकाला कि एक सेकंड में भारतीय जनता पार्टी की मानो घिग्गी बन गई। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा के घर में से महापौर का टिकट ढूंढ लिया और 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बहुरानी को संभावित सागर का महापौर का उम्मीदवार बना दिया। यानी अब वो लोग जो कहते हैं कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, जवाब सॉलिड है और नहले पर दहला है। कांग्रेस ने भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन के छोटे भाई सुनील जैन की पत्नी निधि जैन को अपना उम्मीदवार यानी महापौर का उम्मीदवार बनाया है। सुनील जैन भी 1993 में कम उम्र में सागर जिले के देवरी से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। अब ढोलक परिवार में कमलनाथ ने ऐसा पांसा चला कि सभी लोग चकित हो गए। अब इस टिकट का नाम सुनते ही शैलेंद्र जैन, जो भारतीय जनता पार्टी के 3 बार से विधायक हैं, उनके समर्थकों के होश फाख्ता हो जाएंगे। भाजपा विधायक भी इस टिकट के बाद अचरज में पड़ गए। आज पता चला कि एक ही घर में जब दो दो पार्टियां होती हैं तो कितना बड़ा धर्म संकट और मुसीबत आन खड़ी होती है। अब कांग्रेस के तर्कस से जो 3 निकला है उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। सागर की जनता खुलेआम चिल्लाती फिरती थी कि जब शैलेंद्र जैन को विधायक बनाने में उनके छोटे भाई सुनील जैन तगड़ी मेहनत करते हैं तो अब क्या अपने छोटे भाई की पत्नी को जिताने के लिए विधायक शैलेंद्र जैन मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल अभी बरकरार है। लेकिन गालिब का शेर है कि हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। फिलहाल निधि जैन ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, जबकि भाजपा भी 3 दर्जन प्रत्याशियों के बायोडाटा प्राप्त कर चश्मे से उन्हें देख रही है कि कौन उत्तम प्रत्याशी निधि जैन के खिलाफ होगा। सागर सीट का समीकरण किसी से छुपा नहीं है, यहाँ ब्राह्मण और जैन वोटों का दबदबा बना रहा है। अब कांग्रेस ने जैन प्रत्याशी उतारा, वो भी निधि जैन को, जो अखिल भारतीय दिगंबर जैन की संरक्षक है, मानो भाजपा की जैन वोट में जबरदस्त सेंधमारी कर दी। अब कुछ भी हो लेकिन चुनाव में मजा आएगा। जनता तो कई बार कह चुकी है कि जब एक घर में 2 पार्टियां हो तो फिर तमाम दलों को एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़वा देना चाहिए। आज कांग्रेस ने बड़ा दाव चलकर सियासी तपिश जरूर बढ़ा दी है। जो भी हो, एक घराने में 2 भाइयों को कमलनाथ ने आमने सामने जरूर कर दिया है। अनुज पांडे के साथ नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सागर।
अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल फ्री एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। पता कागुदय हॉस्पिटल, शासकीय आईटीआई के बीच, सुभाष नगर रोड, करीला, सागर।